समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने मुरुगन ट्रांसपोर्ट पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी सावित्री गुप्ता को जिताने की लोगों से अपील की। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। आपकी सुरक्षा के मेरे दोस्त छोटे भाई थे, एक मंच में वो ये कह रहे थे, मैंने जो संपर्क किया गलियों गलियों में, बहुत यहाँ मलिन बस्तियाँ हैं, इतनी गंदगी है, इतनी गरीबी है कि मैं उसको देख नहीं पाई। मैं मुझे रात में नींद नहीं आई, मैं यही सोचती रही कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। मैं वादा करती हूँ सबसे कि सब अगर मैं मेयर बन गई, सबसे पहले मैं गरीबों के लिए कुछ करूँगी। और जितने मेरे भाई बहन सब आए हुए हैं, मुझे अपना वोट देकर विजयी बनाए, हमारी विजय आप सबकी विजय होगी। जानते हैं कि इस समय जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव चल रहा है और ऐसा चुनाव चल रहा है जिसमें घर घर में जाकर वोट मांगा जाता है, पार्षद चुने जाते हैं और मेयर चुना जाता है। और चुनाव ऐसे समय में होने जा रहा है जब प्रदेश में नई सरकार बनी है, 8 महीने बीते हैं और जब सरकार नहीं बनती है तो सबको उम्मीद होती है कि सरकार बनी है हमारे ज़िले में काम हो, लेकिन 8 महीने से कोई नया विकास का काम नहीं हुआ। लेकिन जो पुराने काम चले आ रहे थे उनको धीमा करने का काम जरूर करा गया है। जो जेड़ा झाल योजना है, इस दिसंबर में उसको बन के तैयार हो जाना था। आपके घर में जो साफ पानी है, ट्रीट होकर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, पाइपलाइन के जरिए आपके घर में जो जनवरी से पहुंचना था, वो पानी अब मुझे लगता है 6-7 महीने, और लगता है कि अगर इसी यही स्थिति बनी रही तो हो सकता है 2018 भी नहीं 2019 तक आपके घर में पहुँचे। जो बजट होता है, बजट में जो पैसा चाहिए होता है उसकी कमी के कारण काम एकदम स्लो हो गया। जो कोटला रोड है इस पर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, आज से जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उसी समय हम लोग गए थे, चुनाव के बाद भी गए थे, रिजर्वियर भी देखा। उन्होंने कहा साहब हमारा काम ख़त्म है, नहर चालू हो जाए इसके अंदर हम पानी भर देंगे और जो मिट्टी है वो रिजर्वियर में बैठ जाया करेगी। उन्होंने इस तरह का बनाया था, पानी आ जाया करेगा पाइपलाइन के जरिए, जो कोटला ये जो तारा हो गया था, जो स्टोरेज वगैरह थी, बड़े जो टैंक बन रहे थे वो भी लगभग बन के तैयार थे, लेकिन वो काम वहीं का वहाँ रुका हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ पाया। लेकिन किसी का गौर नहीं जा रहा है क्यों इतना काम स्लो हो गया। नई सरकार आई है, नई सरकार को तौर से इस काम करवाना चाहिए। आप लोगों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, राकेश दिवाकर चेयरमैन थे, पानी की समस्या सुधारने के लिए उन्होंने जगह जगह बोरिंग करवा के टंकी के जरिए पानी देने का काम चालू करा। उससे 1-1.5 साल की आराम मिला, तसल्ली से टाइम भी गुजरा, लेकिन फिर धीमे धीमे पिछले 1 साल से पानी की समस्या फिर से बढ़ने लगी। लेकिन ये था कि इस समय दिसंबर के बाद आपको साफ और अच्छा पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन वो फिर से स्लो हो गया काम। सरकार से पहले तो हम लोग अपील करेंगे कि काम तेज करें और पीने के पानी मुहैया करवाएं। दूसरा है जो गलियाँ थी, सड़कें हैं शहर की, वो तेज़ी से बनवाने का काम करें। जो 70 करोड़ हम लोगों ने ग्रांट करवाई, उसके बाद मुख्यमंत्री घोषणा करवाई गई जिसमें जल निकासी और पीने के पानी की व्यवस्था और सड़कें बनवाने का काम चालू करवाया गया। और क्योंकि नई बस्ती मलिन बस्ती में आती है जिसमें विकास कहीं नहीं था, गड्ढों के अंदर घर बने हुए थे, सड़कों के नाम पर उबड़ खाबड़ था, मिट्टी तक की सड़कें नहीं थी, पानी भरा रहता था, तो वहाँ पे भी सड़कें बनवाने का काम करा। जो स्थिति 2014 के पहले की थी और आज की देखें, सैटेलाइट से जो फोटो हैं पुरानी और नई निकलवा कर देखनी है, कितना अंतर है। आप लोग तो रहते हैं वहाँ, अंतर का होता रहे, इसलिए ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से मेयर का चुनाव जीते और आपके बीच काम करें। सरकार के जाते ही आपने देखा जो थोड़े बहुत काम हुए हैं आपको भूलकर कहीं इधर उधर होने चालू हो गए।
काम अपने घर में सबसे पहले तभी होता है जब अपना आदमी जब नेतृत्व करता है, तभी सावित्री गुप्ता जी चुनाव लड़ रही हैं। इनकी आप मदद करें और इन पर भरोसा रखें। हमें इन पर भरोसा है, आपको भी भरोसा रखना पड़ेगा। जब भरोसा होता है तभी काम होता है। पर आप लोग ऐसे काम करते हो जहाँ दुनिया भर का आदमी आता है। आप अपने काम में लगे रहते हो, फोन पर बात करता है, आपस में बात करता है, आपको जानकारी सारी मिलती है। आपस में जब वो चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर ये जो हम मानते हैं ऐसा जरूर कहते हो, वो आप ज़्यादा बेहतरी से बता सकते हो, ऐसा हम सोचते हैं। अगर आपने ऐसा सुना हो तो आप बताओ। अगर आप सुनते हो तो दूसरों को भी बताओ, भाई हमारी दुकान में आए थे, दो लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, चाय वाला और जो नाई और पान वाला, जब भी चर्चा होती कहती ये लोग अगर चर्चा करना लग जाए तो उसकी सरकारें बन जाए। तो आप लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। कोई नहीं, आप फोन उठा के दूसरे को फोन उठा के श्रीमती सावित्री गुप्ता जी में जताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा